हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोमोज की रेसिपी। रोज शेप में इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने बहुत ही टेस्टी और जूसी लगती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन में 2 चम्मच तेल ले रही हूँ। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च डाल दें। इसके बाद हम 1 कटोरी घिसा हुआ पत्ता गोभी डाल देंगे। जब भी आप पत्ता गोभी डालें तब उसके पानी को अच्छे से निचोड़ लें। जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खाने बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगेगी। अब मोमोज की फिलिंग तैयार हो चुकी है। हम यहाँ पर आटा लगाने की तैयारी करेंगे। आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप मैदा ले रही हूँ, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक टाइट डो बना लेंगे। डो बन के हमारा तैयार हो चुका है। आटे को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। अब फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। मोमोज में आप जब भी फिलिंग भरें, जब फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आप उसमें भरें, नहीं तो मोमोज फट जाएगा और फिलिंग निकल जाएगी। अब हम ग्लास से 3 पूड़ियाँ बना लेंगे। अब एक के ऊपर इसको चिपका दें। और बीच में इसके बीचों बीच इसमें फिलिंग डाल दें। अब हम आगे की तरफ इसे फोल्ड कर देंगे। इसे भी आप अच्छे से चिपका दें हाथ से। इसके बाद इसे हम फोल्ड करते हुए जाएंगे। आराम से धीरे धीरे इसे फोल्ड करें। देखिए कितनी अच्छी बनी है रोज। ये खाने बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है, जिसे आप घर पर ज़रूर बनाएं। एक इडली स्टैंड ले लेंगे, उसमें हम हल्का सा तेल लगा के मोमोज को डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम स्टीम दे देंगे। आप इडली स्टैंड में ढेर सारी 10 मिनट में मोमोज आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए 10 मिनट के बाद मोमोज बनके हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। देखिए लग रही है ना लाजवाब। ये खाने बहुत ही टेस्टी और जूसी लगती है। बाहर से सॉफ्ट और अंदर से जूसी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेज लेकर आती रहूँगी।